क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ए प्लस आयोटा बी में हमें कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी में हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो जैसे सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फोर प्लस आयोटा फाइव बाई टू, ये आपको गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपलीफाई कैसे करोगे, अगर हम इसको देखें, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हमने 1/5 प्लस आयोटा 2/5 लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का आयोटा 5/2 आ जाएगा, यस और नो। तो रियल पार्ट को आपको क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करना है। जैसे ये नंबर और ये नंबर क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम अलग कर देंगे। तो 1/5 के साथ हम कर लेंगे -4, इसमें और इसमें आयोटा कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से आएगा 2/5 माइनस यहां से आ जाएगा 5/2, यहां से आ जाएगा 5/2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि हमने कैसे किया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस का 20 प्लस आयोटा 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तो 5 2 10 ये 4 हुआ, माइनस 2 5 10 25, तो फाइनली हमें मिलेगा माइनस का 19/5 प्लस आई माइनस का 21/10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 19/5 माइनस बाहर कर दीजिए 21 iota/10। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी बेसिकली क्या करना है आपको, आपको सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया हो, ठीक है, कैसे मैंने